टावी या ट्रांसकैथेटर एओर्टिक रिप्लेसमेंट किन पेशेंट्स में किया जाता है, जहाँ पे उनका एओर्टिक वाल जो वाल पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, ये हार्ट है, ये वाल जो पूरे बॉडी को सप्लाई करता है, ये वाला वाल जब सिकुड़ जाता है या पूरी तरह खुलता नहीं है, ऐसे केसेस में पहले ओपन हार्ट सर्जरी किया जाता था सब पेशेंट्स में। अब कुछ पेशेंट्स में जहाँ ये ओपन हार्ट सर्जरी नहीं हो सकता कॉम्प्लिकेशंस के कारण, वहाँ पे हम टावी यूज करते हैं। ये वाल सिकुड़ा होना चाहिए, पेशेंट की लॉन्गिविटी लाइफ की लंबी होनी चाहिए, एक साल से ज्यादा होनी चाहिए, पेशेंट को बाकी की कॉम्प्लिकेशंस एकदम ज्यादा नहीं होने चाहिए कि पेशेंट एक साल के ऊपर उसका लाइफ नहीं अगर दिख रहा है तो ये सर्जरी करने में फायदा नहीं। बट अगर पेशेंट का लाइफ स्पैन उससे ज्यादा लग रहा है तो ये सर्जरी करना चाहिए। ये वॉल जब सिकुड़ जाता है तो इसमें कुछ ग्रेडियंट्स आते हैं, जब ये सीवियर हो जाता है तब हम ये सर्जरी रिकमेंड करते हैं। इससे पेशेंट को क्या तकलीफ हो सकता है, एओर्टिक स्टेनोसिस से पेशेंट को चलने में सांस फूलना, चलने से सीने में दर्द होना, चक्कर आना, बेहोश हो जाना या सिनकप बोलते हैं जिसको, ये सारा तकलीफ इनको एओर्टिक स्टेनोसिस से हो सकता है। ये अगर आपको तकलीफ है तो हर पेशेंट ने ऐसे पेशेंट ने 2D इको या हार्ट का सोनोग्राफी करवाना चाहिए, जिससे जिस जांच से ये डिजीज पकड़ा जाएगा। और ये जब पकड़ा जाएगा तो इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। अगर पेशेंट फिट है सावी के लिए, मतलब सर्जिकल ऑप्शन के लिए, तो उसको ओपन हार्ट सर्जरी एडवाइस किया जाएगा। अगर अनफिट है उसके लिए, या फिर पेशेंट चाहता है टावी करवाना या इंटरमीडिएट रिस्क है फॉर सर्जरी, तो टावी भी हो सकता है। ये इसके इंडिकेशंस है।